प्रियमित नमस्कार, मैं रोहताश गुप्ता हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं मुखिया। मैं अपने इस छुट्टियों के खंडकाल में कविता सृजन करता हूँ और उन लोगों के कविता सृजन करता हूँ जिन्होंने भारतवर्ष के संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और जिनको कोई जानता नहीं। लेकिन आज मैं जो इस समय आपके सामने उपस्थित हूँ एक महान हस्ती जिसको सब जानते हैं, हर बंदा जानता है, महाराणा प्रताप के बारे में कविता पाठ करूँगा आज मैं आपके सामने। और कुछ ऐसे तथ्य हैं जब हमें यही पता है कि महाराणा प्रताप 7 फुट से भी ऊँचे थे, पता नहीं 70 किलोग्राम का उनका वो था जो ऊपर पहन के चलते थे, और तलवार भी एक आम आदमी उसकी तलवार इतनी भारी थी उसको कोई उठा नहीं सकता था, कभी किसी से डरते नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी पुरुष महापुरुष थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी हेर फेर नहीं करते थे, सदा सच बोलते थे। जितना शरीर देखने में उनका पराक्रम था और जैसे उनका व्यक्तित्व महान था वैसे हृदय के बड़े कोमल थे, बहुत मृदु और विमल थे। अब मैं उन्हीं के बारे में जब पढ़ूंगा तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा, स्पेशली इस चीज़ का पता लगेगा कि हमने भारतवर्ष में हमारे राजे महाराजे आपस में लड़े। और इसमें तो आपको देखेंगे कि उनके दो भाई थे, शिकार करने गए, सुअर किसने मारा, किसकी उससे मरा, मेरी उससे मरा कि आपकी बंदूक से मरा, इसी बात पर लड़ पड़े। और जो जो लड़े, जैसे एक तो भागमल था, समझे नहीं समझे, एक दूसरा भाई था, और दोनों को दोनों लड़ पड़े महाराणा प्रताप से और जाके मुगल बादशाह से मिल गए और मुगल बादशाह से मिल करके अपने भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और दुनिया उनके खिलाफ हो गई। जैसे हमने बचपन में पढ़ा, उन्होंने घास फूस की रोटियां खाई लेकिन फिर भी उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई शेर बन के लड़ी और वो हमेशा भारत के संग्राम में महासंग्रामी के रूप में जाने जाएंगे। मैं आज उन्हीं का कविता पाठ करता हूँ। महाराणा प्रताप, वो चाहे 15वीं शताब्दी में जन्मा हो, वो चाहे 15वीं शताब्दी में जन्मा हो, जो आज भी 21वीं शताब्दी में वीरता, साहस, देशभक्ति व स्वाभिमान का सुरमौर चिन्ह है। वीरता, साहस, देशभक्ति व स्वाभिमान का सुरमौर चिन्ह है वो शूरवीर राणा प्रताप था। उसे विसार दें भगवान, ये हमसे न कभी भूल हो, ये भगवान हमसे कभी ये भूल न हो। मेवाड़ नरेश उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, शक्ति सिंह का ज्येष्ठ भ्राता, देश प्रेम से ओतप्रोत राणा प्रताप को प्राणों से प्यारी थी भारत माता। जब राजतिलक का शुभ अवसर आया तभी तकदीर पर दुश्मन संकट छाया, ताकतवर शहनशाह हिंद अकबर का जान माल राज्य पर काला बादल छाया। दुश्मन से और बड़ी दुश्मनी जब शिकार क्रीड़ा में घायल सूर किसके तीर से धाराशाही हुआ, छोटे भाई शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप बीच निरंतर तकरार हो गई, झगड़ा बहुत बढ़ गया। शक्ति सिंह के नाजायज जोश और गुस्से ने छोटे भाई जो शक्ति सिंह था, सुअर के मारने पर देखो कैसे कैसे हमने भारत माता के कैसे कैसे हमने दुख दिए छोटी छोटी बातों पर। शक्ति सिंह के नाजायज जोश और गुस्से ने महाराणा प्रताप को विवश कर दिया, छोटे भाई शक्ति सिंह को देश निकालने का हुक्म दे दिया। मां जाए भाई को अकबर वफादारी का ना समझ वह गद्दार हिमायती बना दिया। महाराणा के दुश्मनों की भीड़ में निरंतर बढ़ोतरी होती चली गई, तकदीर ही ऐसा था, पहले तो छोटा भाई दुश्मन का और भी होते गए, तो कैसे महाराणा के दुश्मनों की भीड़ में निरंतर बढ़ोतरी होती चली गई। छोटे भाई के साथ साथ आसपास से नरेशों से भी दूरी बढ़ती गई। मुश्किलों ने कतारबद्ध हो महाराणा के रास्तों को दुर्गम बना दिया। 30,000 सैनिक क्या कुर्बान हुए, सेना तो खत्म हुई ही, खजाने को भी कंगाल बना दिया। चित्तौड़ भी गया, शक्ति सिंह भी गया, सैनिक मरे, महाराणा प्रताप शक्तिहीन हुआ,
मुश्किलें नहीं रुकी, गद्दारी ठहरी नहीं। और तो और दूसरे छोटे भाई जगमाल को भी दुर्भाग्य ने मुगल मित्र बना दिया। ठंडी सांसें लेता था कौन, महाराणा प्रताप। ठंडी सांसें लेता था प्रतिक्षण, मुगल मुक्त मेवाड़ के सपने समझौता था। जब लाखों में दुश्मन की सेना थी, जब लाखों में दुश्मन की सेना थी, फिर भी महाराणा प्रताप आज़ादी का तराना गाता था। अंततः दसवां पद है, अंततः ध्येय प्राप्ति हेतु महाराणा प्रताप ने, अंततः ध्येय प्राप्ति हेतु महाराणा प्रताप ने दिग्गज सरदारों नरेशों की बैठक बुलवाई। राजधानी ऐसी सजी देख दुल्हन शर्माई, बैठक में मन की व्यथा स्पष्ट सहजनों को कह सुनाई। मित्र नया पद, मित्र नरेशो ये कह रहे हैं महाराणा प्रताप, मित्र नरेशो हमारी मेवाड़ जन्म भूमि है, मुगलों के जुल्म तले दबी कराही है। मित्र नरेशो हमारी मेवाड़ जन्म भूमि है, मुगलों के जुल्मों तले दबी कराही है। इसकी आत्मा चिन्ह चिन्ह है, आओ इसे आज़ाद करें, इसमें सब राजपूतों की भलमनसाई है। ये कहा उन्होंने मीटिंग बुला के। मेवाड़ पर यमुनों का राज है, सर्वत्र है दुराचार, और ये भी बात कही उन्होंने। मेवाड़ पर यमुनों का राज है और सर्वत्र है दुराचार, मुगल कर रहे हैं जनता पर अत्याचार। मेवाड़ पर यमुनों का राज है, सर्वत्र है दुराचार, मुगल कर रहे हैं जनता पर अत्याचार। पूर्वजों की रूह भी कंपन से थर्राई है, इन्होंने राजपूतों को ही नहीं सर्व भारत माता की आत्मा तड़पाई है। नरेश नरेश जनों, अभी तो संबोधित कर रहा उद्बोधन से, हे नरेश जनों, यूं नरेशों की महाराणा प्रताप ने हौसला अफजाई। माँ बहनों की कुर्बानी गाथा कह सुनाई, यूं करी नरेश जनों की महाराणा प्रताप ने हौसला अफजाई। माँ बहनों की कुर्बानी गाथा कहकर कह सुनाई, पूर्वजों ने जो नौछावर कर दी थी जान भी, तफसील से हृदय मार्मिक सत्य कथा कह सुनाई। भाइयों मैं प्रतिज्ञा करूं हूं, महाराणा प्रताप कह रहे हैं नरेशों से मीटिंग में, भाइयों मैं प्रतिज्ञा करूं हूं चित्तौड़ पर राजपूत ध्वज लहराऊंगा। भाइयों मैं प्रतिज्ञा करूं हूं चित्तौड़ पर राजपूत ध्वज लहराऊंगा। सोना चांदी त्याग ढाका ढाक पत्तल पर रोटी खाऊंगा, मखमली बिछौना छोड़ जमीन पर रोज घास फूस बिछा कर सोऊंगा और बिछाऊंगा। महलों को विसार, अब महाराणा प्रताप कह रहा हूँ नरेशों से, महलों को विशाल झोंपड़ी को घर बनाऊंगा। जब तक मेवाड़ भूमि न हो मुगल मुक्त, राजसी ठाट त्यागूं दाढ़ी भी नहीं बनवाऊंगा। उन्होंने कसम खाई दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा जब तक मैं अपनी मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त ना कर दूं। दुख दर्द स्वाभिमान हनन, अभी आप कह ही रहे हैं उद्घोषण जारी है। दुख दर्द स्वाभिमान हनन की गाथा सुन, राजाओं की शाही शान सिसकी। वाह दुख दर्द स्वाभिमान हनन की गाथा सुन, राजाओं की शाही शान सिसकी। फिर चमकी बुलंद आवाज में आवाज आई, हम अपना रक्त बहा देंगे। राजा नरेश कह रहे हैं हम अपना रक्त बहा देंगे, कुर्बानी की धधकती ज्वाला लहलाई। भानुमती की निष्ठा समर्पण, एक भानुमती लेडी थी, उन्होंने बहुत महाराणा प्रताप का साथ दिया। भानुमती की निष्ठा व समर्पण महाराणा हेतु हितकारी सिद्ध हुई। भानुमती की निष्ठा व समर्पण महाराणा हेतु हितकारी सिद्ध हुई। जब इस महान सेविका ने राणा को अपनी निष्ठा से रिझाया, राणा की बात समझ स्पष्ट आई। मामला जब तफसील से भानुमती ने महाराणा प्रताप को कह सुना, हुआ यूं कि अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप, हुआ यूं, देखिए क्या बात है, जो उसमें भानुमती ने क्या किया था। हुआ यूं के अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप प्रथम उदयपुर महल त्यागा, वह स्वयं फरमान सुनाया। उदय सागर झील किनारे झोंपड़ी में आवास बनाकर जनता से भी सुरक्षा हेतु उदयपुर शहर खाली करवाया। देखो बहुत ध्यान, ये शहर खाली करवाया उन्होंने और आपने झोंपड़ी बना ली, लेकिन ये भी उनको माफिक नहीं आई। यहाँ भी एक दुश्मन बन गया, कौन देखिए।
और इसी में भानुमती ने उनकी बहुत ज्यादा लोगों की मदद। एक गडरिए ने यह फरमान का नहीं हुक्म बजाया। फरमान क्या था कि भाई हमने मुगलों से लड़ाई लड़नी है, उदयपुर को खाली कर दो, तुम चलो बाहर। एक गडरिए नहीं गया तो कहता एक गडरिए ने यह फरमान का नहीं हुक्म बजाया, सजा सुनाई गई तो गडरिए को फांसी चढ़वाया। महाराणा प्रताप उनको फांसी चढ़ा दिया। गडरिया सुपुत्र शीरा को गुस्सा आया। अब गडरिया का जो पुत्र था उसका नाम शीरा, उसको गुस्सा आया, लेकिन उसने कैसे कमर में छुरा घोंपा। गडरिया सुपुत्र शीरा को गुस्सा आया, राणा को मौत में झोंकने का वचन उठाया। बहन भानुमती ने तब निष्ठा समर्पण समेत राणा को शीरा के वचन से वाकिफ करवाया। अगर वो भानुमति नहीं होती तो शीरा ने जो कसम उठाई थी कि मैं राणा की जान ले लूंगा, ये उसको पता नहीं लगता। राणा से भानुमति की मुलाकात हुई। राणा से भानुमति की मुलाकात हुई। जब भानुमति ने सरपट घोड़ा दौड़ाया, महाराणा अनुमति की निष्ठा समर्पण से भानुमति पति को जेल से रिहा करवाया, शीरा भी और अधिक भरमाया। जब ये बात हो गई तो इसका जो भानुमति का इसका पति जेल में था, जब उसने अपनी वफादारी महाराणा प्रताप को दिखाई तो उसके पति को जेल से बाहर निकाल दिया। ये शीरे को ये दूसरी बात थी जो और गुस्सा आया। वो सूरमा था वो साहसी था, राजपूत लहू गर्दिश करता जिसकी रगों में। रणवीर वो मेवाड़ स्वाभिमान का प्रभाती सूरज था। गुलामी को धिक्कारा जिसने, वह परम लड़ाकू महाराणा प्रताप था। दो और रहते हैं, जिसके सब ख्यालों में ज्वाला धधकती थी। महाराणा प्रताप जिसके सब ख्यालों में ज्वाला धधकती थी और हृदय में लहू का दावा नल खोलता था। देखो क्या पोइट ने क्या चीज लिखी है। जिसके बीच महाराणा प्रताप के ख्यालों में ज्वाला धधकती थी और हृदय में लहू का दावा नल खोलता रहता था। जो बेबस हो जाता, शुद्ध बुद्ध खो देता, मुगलों से लोहा लेने को, वह प्रताप शौर्य का चमकता नवतारा था। अंतिम दो, कोई अफगानी कोई फारसी। भारत मुकुट पर ये ही काले बादल छाए थे। रियासतों का जाल बिछाता हर कोने में ये हमलावर नवाब बनकर भरमाए थे। कोई बादशाह कोई शहंशाह कोई आलमपना तकदीरों को बनाते उजाड़ते बिगाड़ते हैं। सच कहूँ तो भारतीयता पर लिबास जैसे छाए हैं, संस्कृति को निस्ता नबूद कर दूर दूर तक भारत भूमि में छाए हैं। मित्रों, मैंने ये कविता आज से 5 साल पहले लिखी थी और मैं इसके 25 पद सृजन कर पाया। महाराणा प्रताप के लिए कम से कम भी अभी 50 पद और सृजन करने हैं। मेरे को उत्साहित कीजिए, आज्ञा दीजिए कि वो मैं कविता के 50 पद पूरे 75 बना के और फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इस समय 25 पद मैंने आपके सामने सुनाए हैं और आपको जो राज बताए हैं आप उनको जान के जरूर आप ये कहेंगे कि हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।